So, जब भी बात होती है घोस्ट राइटिंग की, कुछ ऐसे रैपर्स हैं जिनका नाम हमारे दिमाग में इंस्टेंटली आ जाता है, और कुछ रैपर्स को पास्ट से, बहुत टाइम पहले से ही घोस्ट राइटर्स या फिर घोस्ट राइटिंग से एसोसिएट किया जा रहा है। सड़ने वाले सर सड़ के काले हो गए, उनकी बहनें मेरी फैन वो मेरे साले हो गए। अगर हम बात कर ले देसी हिप हॉप की, तो देसी हिप हॉप में भी कुछ रैपर्स हैं जिनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि उन्होंने पास्ट में घोस्ट राइटर यूज कर रखे हैं। और अगर हम बात करें वेस्टर्न हिप हॉप की, तो वहां पे भी ऐसे मल्टीपल रैपर्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे विथ प्रूफ जिन्होंने पास्ट में घोस्ट राइटर यूज किया है। सो आज के वीडियो में हम उन्हीं प्रूफ पे नजर डालने वाले हैं, उन्हीं रैपर्स पे नजर डालने वाले हैं जिनके ऊपर घोस्ट राइटर यूज करने का क्लेम लगाया गया है। सो तैयार हो जाओ हिप हॉप में उन आर्टिस्ट का नाम जानने के लिए जिनके कुछ हार्डेस्ट बार्स या फिर पॉपुलर बार्स उन्होंने खुद नहीं लिखा है। सो हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। सीख के जाओगे, सीख के नहीं भी गए तो एंटरटेन होके पक्का जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। हाँ, बोलू खुद को हर चीज छोड़ सबको जाने दे, अब कैसे बोलू के सच्चे बोल गाता गानों में। धुआं गाड़ी पैसा नहीं मेरी जिंदगी, जैसा तुम चाहते वैसे गाने हूँ बना रहा मैं, जो चाहता लिखना वो लिखना किया बंद, मेरा जीवन इतना बड़ा नहीं जो चल पड़े का। So, गाने का नाम है 64 bars और आर्टिस्ट है हर्षित तान। और भाई ने रिसेंटली इक्का का जो ट्रैक आया था नॉस्ट्रेडेमस उसको रिफिक्स करा है, ठीक है। बहुत ही तगड़ा ट्रैक है, बहुत ही तगड़ी डिलीवरी है भाई की। पहले तो वो इक्का का ट्रैक पहले से ही उतना बढ़िया है, ठीक है। अगर उसका रिफिक्स बनाया जा रहा है, उसको अगर रिमिक्स किया जा रहा है, तो भाई तुम्हें उसको जस्टिस देना पड़ेगा, और भाई ने एग्जैक्टली वो काम किया है, ठीक है। सो अगर तुम्हें भाई का ये स्निपेट पसंद आया ना जो मैंने अभी प्ले किया 15 सेकंड का, तो जाके एक बार पूरा ट्रैक सुनो, बहुत तगड़ा ट्रैक है, बढ़िया काम कर रखा है भाई ने, ठीक है। सो मैंने गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना भाई, कमेंट में जाकर ड्रॉप कर देना। तो रैपॉट के चैनल से आए हो, रैपॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, ठीक है। जाओ फीडबैक दो भाई को, प्यार दो, सपोर्ट करो, ठीक है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। सो कान्ये वेस्ट म्यूजिक इंडस्ट्री में एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर आए थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने रैप करना भी स्टार्ट कर दिया। बट वो स्टार्टिंग में कोई हार्ड कोर रैपर नहीं थे, ही वॉज मोर अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। अगर हम बात करें कान्ये वेस्ट की डिलीवरी स्किल्स की, हाँ उनके वोकल और उनकी डिलीवरी जो थी वो अच्छी थी, और रैपर बनने के लिए तुम्हें इतना तो चाहिए ही होता है। 2004 में कान्ये वेस्ट ने अपना एक ट्रैक ड्रॉप किया था जिसका नाम था जीसस वॉक, और ये बोला जाता है कि कान्ये वेस्ट का पहला हिट ट्रैक था। और ये ट्रैक एक्चुअली कान्ये वेस्ट ने खुद नहीं लिखा था, इस ट्रैक को लिखा था राइम फेस्ट ने। बट एक्चुअली बिगिनिंग में इसके बारे में क्लू को पता नहीं था, कान्ये फैंस को पता नहीं था कि कान्ये के जो ट्रैक्स है वो कोई और लिखा करता है। और जब ये न्यूज ब्रेक हो गया, जब लोगों को एक्चुअली पता चल गया कि कान्ये अपने गानों में घोस्ट राइटर्स यूज करते हैं, तो लोगों को उतना फर्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि कान्ये वेस्ट ने ऑलरेडी एक फैन बेस बिल्ड कर ली थी जो उनके यूनिक म्यूजिक स्टाइल और यूनिक म्यूजिक को पसंद करते थे। और उनके फैंस ने ज्यादा केयर भी नहीं किया कि कान्ये के लिए गाना कोई और बंदा लिख रहा है। और अगर हम कान्ये वेस्ट की टोटल डिस्कोग्राफी चेक करें तो उनके मल्टीपल ट्रैक्स किसी और बंदे ने लिखे हैं, घोस्ट राइटर्स ने लिखा है। पर बाद में कान्ये वेस्ट ने उनके लिरिक्स राइटर्स को क्रेडिट भी देना स्टार्ट कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया लिटरली कि वो घोस्ट राइटर्स यूज करते हैं। तो कार्डी बी और निकी मिनाज का बीफ मैंने कुछ दिन पहले ही कवर किया है, और मैंने इनके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, और मैंने उसमें ये भी एक्सप्लेन किया था कैसे निकी मिनाज ने कार्डी बी के ऊपर घोस्ट राइटर्स यूज करने के एलिगेशंस लगाए थे। इन्हें अपने करियर के स्टार्ट में एक ट्रैक ड्रॉप किया था जिसका नाम था बोडेक येलो, और इस ट्रैक की वजह से वो बहुत ही कम एज में बिलबोर्ड चार्ट को टॉप कर रही थी। और कार्डी बी पहली फीमेल रैपर बन गई थी जिन्होंने सर्टिफाइड डायमंड रिकॉर्ड दिया था। कार्डी बी अवार्ड जीत रही थी, रिकॉर्ड ब्रेक कर रही थी, इन ब्रीफ कार्डी बी वाज एवरीवेयर
एट दैट टाइम। और इसी टाइम पे कार्डी बी पे घोस्ट राइटर्स यूज करने के एलिगेशंस लगाए गए। कार्डी बी ने इसके ऊपर बात करते हुए ये बताया कि वो घोस्ट राइटर यूज नहीं करती है, वो को राइटर यूज करती है, मतलब वो भी साथ में किसी और बंदे के साथ या फिर किसी और राइटर के साथ मिलके अपनी लिरिक्स लिखती है। वैसे तो रैपर्स या फिर आर्टिस्ट बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो उन्होंने कभी घोस्ट राइटर यूज किया है, बट कार्डी बी के केस में ऐसा था। कार्डी बी ने स्मार्टली ये बोल दिया कि मैं तो को राइटर यूज करती हूँ, घोस्ट राइटर यूज नहीं करती हूँ, बट इवेंचुअली ये भी एक तरीके से घोस्ट राइटर यूज करना ही हुआ। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने अगले रैपर पे, और इस रैपर को घोस्ट राइटर यूज करने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। सो 2015 में मिक मिल एक ट्वीट करते हैं ड्रेक के लिए, जहां पे वो ये बोलते हैं ही डोंट राइट हिज ओन रैप्स, दैट्स व्हाई ही एंड ट्वीट अबाउट माय एल्बम बिकॉज वी फाउंड आउट। और इसकी वजह से इस टाइम पे हमें मिक मिल और ड्रेक की बीफ भी देखने को मिली थी, और ड्रेक और मिक मिल एक दूसरे के ऊपर शॉट्स ले ही रहे थे, इनके ट्वीट्स एक्सचेंज हो ही रहे थे, और इसी बीच में पुशा टी भी इस बीफ में हॉप इन करते हैं। घोस्ट राइटर जो सब लोग बोल रहे थे ड्रेक अपने गाने में यूज करते हैं, उनका नाम था क्विंट मिलर, बट एक्चुअली ये जो बंदा था ये प्रॉपर घोस्ट राइटर नहीं था, हम इसे को राइटर बुला सकते हैं, क्योंकि ड्रेक इनका जो नाम है वो क्रेडिट में मेंशन करते थे अपने नाम के साथ, सो ही वाज बेसिकली अगेन अ को राइटर। और इसी बीच पुशा टी हिप हॉप का वन ऑफ द मोस्ट डिसरिस्पेक्टेड डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप करते हैं ड्रेक के लिए, और इसमें पुशा टी बिल्कुल ही ऑल आउट चले जाते हैं, ड्रेक को एक्सपोज करते हैं to having a child with a porn star। और इसके साथ साथ ट्रैक में पुशा टी ये भी बताते हैं कैसे जो ड्रेक है वो अपने रेस से खुद अशेम्ड है एंड ही इज नॉट इवन केयरिंग अबाउट हिज मॉम। ये डिस्ट्रैक्ट बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था, अगर ड्रेक के अलावा कोई और रैपर होता तो शायद उसका करियर खत्म हो जाता, बट ड्रेक उस टाइम पे इतने बड़े रैपर थे, उनके नंबर्स इतने ज्यादा थे और वो इतने बड़े सुपरस्टार थे कि उन्हें इस डिस्ट्रैक्ट से या फिर पुशा टी के साथ बीफ से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ओके, चलते अब हम थोड़ा सा पीछे और बात करते हैं लेजेंडरी बीट प्रोड्यूसर डॉक्टर ड्रे के बारे में। सो अगर हिप हॉप में बात होती है लेजेंडरी आर्टिस्ट की, डॉक्टर ड्रे इज अप देयर, बट जब बात आती है डॉक्टर ड्रे के रैपिंग की तो डॉक्टर ड्रे के ऊपर भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि उन्होंने पास्ट में घोस्ट राइटर्स यूज कर रखे हैं। ऐसा बोला जाता है NWA के टाइम पे आइस क्यूब जो है वो डॉक्टर ड्रे के लिए रैप लिखा करते थे, जेजी, एमिनम एंड इवन केंड्रिक लमार के नाम भी लिए जाते हैं जब बात आती है डॉक्टर ड्रेक के घोस्ट राइटर्स की। इसके अलावा स्नूप डॉग ने भी 2008 में अपने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि उन्होंने भी घोस्ट राइटर्स यूज कर रखे हैं पास्ट में। ओके, सो ये तो बात हो गई वेस्टर्न रैपर्स की, चलो अब हम आ जाते हैं DHH के रैपर्स के ऊपर, जिसके लिए शायद तुम सब वेट कर रहे होगे। तो जैसे हम लोगों ने अभी कान्या वेस्ट और डॉक्टर ड्रे के बारे में बात किया, इंडस्ट्री में हनी सिंह भी एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर आए थे और वो स्टार्टिंग में सिर्फ म्यूजिक प्रोडक्शन करते थे, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने रैपिंग करना भी स्टार्ट कर दिया। हनी सिंह ने खुद तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया है कि उन्होंने पास्ट में घोस्ट राइटर यूज किया है, पर उनका जो पहले ग्रुप हुआ करता था माफिया मुंडीर, उनके मेंबर्स ने ये बात जरूर उठाई है। फॉर एग्जाम्पल रफ्तार ने मल्टीपल टाइम्स ये बोल रखा है कि उनका ट्रैक सुपर हिट ट्रैक जो कि था डोप शो, उसके लिरिक्स रफ्तार ने लिखे हैं, जिसका क्रेडिट रफ्तार को नहीं मिला है। अगेन इंटरनेशनल विलेजर जो हनी सिंह का पहला सुपर हिट एल्बम था, उसका एक सुपर हिट ट्रैक जिसका नाम है ब्राउन रंग, उसे बादशाह ने लिखा है। और ब्लू आईज जो हमें 2014 में देखने को मिला था, इसके लिरिक्स लिल गोलू ने लिखे है। हमारे पास कोई वैलिड प्रूफ तो नहीं है जो ये बात साबित करती है कि हनी पाजी ने घोस्ट राइटर्स यूज करे हैं और आर्टिस्ट जैसे कि बादशाह, रफ्तार और रिल गोलू ने हनी पाजी के लिए लिखे हैं, बट अगर हम अपना दिमाग थोड़ा सा दौड़ाए और अगर हम नजर डालें तो जब तक ये आर्टिस्ट हनी सिंह के साथ काम कर रहे थे, मोस्टली लिल गोलू जब तक हनी सिंह के साथ काम कर रहे थे, तो हनी सिंह का म्यूजिक, हनी सिंह का लिरिक्स टोटली डिफरेंट हुआ करता था। और जब लिल गोलू ने हनी सिंह के साथ काम करना छोड़ दिया तो उनका म्यूजिक बहुत हद तक चेंज हो गया और हमें एक डिफरेंट म्यूजिक, डिफरेंट लिरिक्स, डिफरेंट स्टाइल देखने को मिलने लग गई। तो कहीं ना कहीं इस बात में थोड़ी सच्चाई तो लगती ही है कि हनी सिंह के लिए बाकी रैपर्स जैसे कि लिल गोलू, रफ्तार, बादशाह ने घोस्ट राइट किया है पास। ओके, हनी पाजी से चलते अब हम एनवे बंटाई पे। तुम सोच रहे होगे कि एनवे बंटाई ने कब घोस्ट राइटर यूज कर लिया, भाई हमें तो पता ही नहीं है,
बट एक्चुअली एनवी बंटाई ने घोस्ट राइटर यूज नहीं करा है, काइंड ऑफ हम इसे घोस्ट राइटर बोल सकते हैं यूज करना। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सिनारियो, तुम खुद डिसाइड कर लेना कि ये घोस्ट राइटर यूज करना हुआ या फिर नहीं हुआ। सो हमें एनवी बंटाई का एक ट्रैक देखने को मिला था जिसका नाम था सड़क, ठीक है, और इसका एक रिमिक्स वर्जन भी आने वाला था जिसमें हमें एमवी और रफ्तार का कोलैबोरेशन देखने को मिलने वाला था। ये ट्रैक नहीं आया, डिले हो गया और हमें रफ्तार और एमवी की बीफ देखने को मिली। और जब दोनों का बीफ स्टार्ट हो गया, डिस ट्रैक एक्सचेंज होने लग गए, तो रफ्तार भाई ने अपने एक ट्रैक में ये बताया कि एमवी का जो ट्रैक था सड़क, उसके कुछ लिरिक्स जो है वो रफ्तार ने लिखे थे। सो एक चीज पे तुम यहाँ पे गौर करो कि अगर एमवी रफ्तार का बीफ नहीं होता तो शायद हमें कभी पता भी नहीं चलता कि रफ्तार भाई ने कुछ लिरिक्स लिखे थे उस ट्रैक के, ठीक है, और क्रेडिट में भी उनका नाम नहीं है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया है तो अब हम शायद उस चीज पे फोकस ना करें ज्यादा, बट स्टिल अगर तुम यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हो तो दिस इज टेक्निकली अ घोस्ट राइटिंग। और ये जो इंसिडेंट हुआ था, इसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे कितने सारे गाने होंगे जो किसी रैपर ने लिखे होंगे या फिर कुछ अपने बार्स जो है वो किसी और रैपर को दिए होंगे, जिसके बारे में हमें पता नहीं है और रैपर इसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। जब कभी किसी रैपर से मिलना हुआ या फिर कभी किसी रैपर से मुलाकात होती है तो मैं पूछूंगा कि भाई आपने किस किस रैपर के लिए घोस्ट राइट कर रखी है, या फिर इंडस्ट्री में आपको पता है कि किसने किसके लिए कर रखी है, थोड़ा बताओ यार, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, चलते हम अपने अगले रैपर पे। सो एमसी स्टैन का एक पुराना ट्रैक है जो कि उन्होंने कहीं साइफर में स्पिट किया था और किसी ने उस ट्रैक को अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे। इसके कुछ सालों के बाद, ठीक है, एमसी टीएचसी ने उसी सेम लिरिक्स के साथ अपना ट्रैक ड्रॉप किया। जब ये ट्रैक ड्रॉप हुआ तो हर जगह ये हल्ला हो गया कि एमसी टीएचसी ने एमसी स्टैन को कॉपी किया है, एमसी स्टैन के लिरिक्स को कॉपी किया है। पर बाद में ये पता चला कि ये जो ट्रैक है ये एमसी टीएचसी ने एमसी स्टैन से पहले कहीं पे स्पिट कर रखा था। सो एक्चुअली जो एमसी स्टैन ने स्पिट किया था वो एमसी टीएचसी का ट्रैक था, एमसी टीएचसी के लिखे हुए बार्स थे। बचपन में सोचा क्या सोचा, बचपन में सोचा सोचा, बचपन में सोचा सोचा, बचपन में सोचा कि मिले ऐसा बाप, फ्यूचर को देख पापा बोले पैसे छाप, लगती थी मुझे वो कीर। यहाँ पे दो चीज है। पहली चीज कि अगर हम देखें घोस्ट राइटिंग के डेफिनेशन से, तो हाँ क्या बोलते हैं, जब एमसी स्टैन ने स्पिट किया था तो लोगों को उसके बारे में आइडिया नहीं था कि हम तो सोच रहे थे भाई वो एमसी स्टैन की ही लिरिक्स है, ठीक है, अगर वो स्पिट कर रहे तो भाई उनकी ही लिरिक्स होगी, हमें क्या पता कि किसी और बंदे के लिखी हुई, मतलब यहाँ पे एग्जांपल देखें हम तो एमसी टीएचसी का लिखा हुआ लिरिक्स वो स्पिट कर रहे हैं। बट जब एमसी टीएचसी ने उसका वही लिरिक्स के ऊपर ट्रैक निकाल दिया है, और हिप हॉप में जो फ्रेंड होते हैं, जो क्लोज होते हैं ना, वो एक दूसरे के बार स्पिट किया करते हैं, तो उस रिलेशन से हो सकता है एमसी स्टैन ने बार स्पिट किए हो, ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, सो इसके अलावा और भी कुछ रैपर्स है डीएचएच में जिनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं उन्होंने घोस्ट राइटर यूज करे हैं। फॉर एग्जांपल एमवे बंटाई ने अपने डिस ट्रैक जो उन्होंने डिवाइन के लिए निकाला था उसमें बोला था कि जो डी एविल है वो डिवाइन के घोस्ट राइटर है, वो डिवाइन के लिए घोस्ट राइट करते हैं, बट इसको बैक करने के लिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इवन जो रिसेंट ट्रैक आया था कलेशी छोरी, हरजस ये बोलते कि वो ट्रैक जो है वो उन्होंने लिखा है, पूरा ट्रैक लिखा है उन्होंने और उन्हें उसकी क्रेडिट नहीं मिली है। और ऐसे ही डीएचएच में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने घोस्ट राइट कर रखा है किसी और रैपर के लिए और उसकी क्रेडिट उनको नहीं मिली है। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। हम लोगों ने कुछ वेस्टर्न रैपर्स और कुछ इंडियन रैपर्स, डीएचएच रैपर्स के बारे में बात कर लिया जो घोस्ट राइटर यूज करते हुए पकड़े गए हैं या फिर खुद कबूल कर लिया उन्होंने कि उन्होंने घोस्ट राइटर यूज करा है। सो अगर इस वीडियो में तुम लोग को मजा आया, कुछ सीखने को मिला, बुलेट में कमेंट चैनल पे पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, और हाँ ऐसे ही सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, वीडियो टॉपिक अगर कोई है सजेस्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन, थैंक्स।